ये कुशीनगर बहुत ही महान धरती है। मैं तो गौरवान्वित हो रहा हूँ कि इस धरती पे आके काम करने का मौका हमें मिला। पे जहाँ हमारा प्रोग्राम था वहाँ हमला किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, आग लगाने का प्रयास किया गया और फायरिंग किया गया, डराने का इंतजाम किया गया, लेकिन ये नहीं पता उनको कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और ना हम डरने वाले हैं, हम तो गोली खा के नहीं डरे, गोली की आवाज़ सुन के क्या डरेंगे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के उस उठाए एक कदम के बारे में, जिसे एक कदम से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ सकता है। जी हाँ, हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरह से खुला समर्थन देने का एक ऐलान किस्म का कर दिया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के गढ़ यानी कुशीनगर की सीट, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के साथ उनका समर्थन करने पहुंचे, उनके समर्थन में उनके पक्ष में चुनावी जनसभा करने पहुंचे। ये तो पूरा का पूरा वीडियो, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने कुशीनगर पहुंचकर खड्डा विधानसभा में जिस प्रकार से चुनावी जनसभा की, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जनता से वोट मांगे, और उसके बाद उन्होंने अपने बयान में भी साफ साफ स्पष्ट करके इस बात को जनता के सामने रख दिया कि हमारा समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए सीधे तौर पर जाता है। अब मुद्दा उठता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस प्रकार का एक कयास उनके नाम पे लगाए जा रहे थे कि अब गठबंधन उनका जो होगा वो बीएसपी पार्टी यानी मायावती के साथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या अब इस एक उठाए कदम से इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि चंद्रशेखर आजाद अब मायावती की ओर उनका रुख जो है, या उन्होंने अपने पैर जो है वो थोड़े पीछे खींच लिए हैं, और अब जो उनका रुख है, जो उनके कदम है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे के बारे में बात करेंगे, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है माही। माही, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि हाल ही में राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की हलचल तेज हो रखी थी कि चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन मायावती के साथ होगा, यानी मायावती का जो रुख है वो कहीं ना कहीं आजाद की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमने आजाद के कई तमाम ऐसे बयान भी सुने हैं जिन बयानों में उन्होंने सीधे मायावती को इस प्रकार बोला है कि मैं बहन जी के साथ हूँ, बहन जी ने अगर मेरा हाल नहीं पूछा तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। ये तमाम प्रकार के बयान गए और उसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें चंद्रशेखर आजाद लगातार इससे पहले भी मायावती को समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया है, माना यही जा रहा है कि अब यूपी का जो समीकरण है कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा। अभी 1 जून को मतदान होने हैं कुशीनगर सीट पर, या फिर पूर्वांचल की बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर 1 जून को मतदान होंगे। उससे पहले चंद्रशेखर आजाद का इस तरीके से रैली से जुड़ना कहीं ना कहीं अब मायावती के खेमे की भी हलचल बढ़ा सकता है, क्योंकि कुशीनगर सीट पर आप देखेंगे मायावती भी मैदान में है। ऐसे में चंद्रशेखर का डायरेक्ट जाकर कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दे देना, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाने वाले थे, फिर उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ अनबन देखने को मिलती है, फिर वो गठबंधन उनका टूटता हुआ नजर आता है, फिर वो 9 मई को आकर कुशीनगर में अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में अब खुलकर चंद्रशेखर आजाद का स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देना, कहीं ना कहीं इस बात का एक अंदेशा निकलकर सामने आता है कि यही बात कि मायावती को ये बात हो सकता है अच्छी नहीं लगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद डायरेक्ट तौर पर कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे अब नहीं है, उसके बावजूद भी उनको समर्थन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके आपसी जो रिश्ते हैं वो खराब होते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल ये बात कहीं ना कहीं सच है कि अब चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं मायावती के साथ आने वाले समय में हमें खराब होते जरूर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये बनता है माही कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। आप देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती अब किसी और पार्टी या तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन में आ सकती है, ताकि एक तरह से आप देखें तो चुनावी रण में वो मजबूती के साथ उतर सके, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में मायावती का आप देखें मजबूती रण कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो कुशीनगर सीट से पहले तो इस बात के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की पार्टी यानी बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरेंगे कुशीनगर से, लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं ये मामला पलट गया। मायावती ने
एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रुक किया या उनको एक तरह से कहें उनको नहीं तलब किया, तभी कहीं ना कहीं एक तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से कुशीनगर से उतरे हैं और एएसपी का जो एक गठबंधन किस्म का जो कहीं ना कहीं मिला है, आप देखिए कि एक तरह का पक्ष जो कहीं ना कहीं मिला है, स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या पक्ष में यहाँ पे बात आ सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है श्रुति। जिस तरीके से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी पर हमलावर है, ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की जनता को पूरा साधने का प्रयास कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का भी जनाधार उनको मिलता हुआ नजर आएगा, तो ऐसे में हो सकता है कि वो अगर जीत ना पाए तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी कर सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चाहे मायावती के लिए हो। और ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं कुशीनगर पर बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है और इसी मैदान में उनके बेटे उनके सामने खड़े हैं और वो कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में आप देखेंगे चौतरफा लड़ाई होती हुई नजर आ रही है इसमें। लेकिन जो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं आजाद के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जीतने के बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखें ये मुद्दा जो है वो ज्यादा उठ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आजाद अब समर्थन में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य के, मायावती को एक तरह से आप देखें सीधा ऐलान ही किस्म का है कि हम आपके साथ इस बार गठबंधन करने की तैयारी में नहीं है, यहाँ हम आपके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उससे बड़ा एक आप देखें कि इस प्रकार में जिस प्रकार से मुद्दे यहाँ पर उठते ही उठते आ रहे हैं, लगातार जब आप अगर आप इनमें और चर्चा करें तो तमाम मुद्दे और उठेंगे। आपको क्या लगता है मायावती की अब क्या रणनीति रहेगी? भाई देखिए, अब मायावती किस तरीके से अपने आप को, अभी तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती ने अपने आप को साबित किया है, भले वो जीत दर्ज कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग मुद्दा निकल कर सामने आता है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए मायावती आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो अभी आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव को 2-3 साल शेष है, तो ऐसे में मायावती अभी उसकी प्लानिंग तो नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। आप देखिए वो उन्होंने जातीय समीकरण को साधते हुए जिस तरीके से कैंडिडेट्स को में उतारा है, माना यही जा रहा है कि उन्होंने बहुत जो पासा फेंका है बहुत सूझबूझ के साथ फेंका है और कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी रणनीति इस बार के लोकसभा चुनाव में लाती हुई नजर आई। लेकिन मायावती किससे गलती क्या हुई कि उन्होंने बहुत देर कर दी और जिसकी वजह से खासा नुकसान उनको इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और रही बात 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो अभी उसमें काफी वक्त है, मायावती अब अपनी हेल्थ को लेकर भी उतनी एक्टिव नहीं रहती है और एक उम्र हो गई है, तो कहीं ना कहीं मायावती को अब जरूरत है एक ऐसे पदाधिकारी की, एक ऐसे उत्तराधिकारी की जो उनके कमान को संभाल पाए, उनकी पार्टी को उसी अंदाज से संभाल पाए। अब वो देखना दिलचस्प होगा कि मायावती अपना उत्तराधिकारी किसे चुनती है और किसको मैदान में लाकर सबके लिए कंपटीशन खड़ी करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि मायावती आखिर अब आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति अपनाती है, क्योंकि आप देखें कि अब दिन ब दिन कहीं ना कहीं बीएसपी की पार्टी जो है वो एक तरह से डगमगाई स्थिति में है और डूबती किस्म की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मायावती को अपनी पार्टी के लिए एक ऐसा पदाधिकारी चाहिए, मायावती को अपनी पार्टी के लिए एक ऐसा प्रमुख चेहरा चाहिए कि उस चेहरे को वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की कमान सौंप सके। वहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस प्रकार के गठबंधन की बातचीत चल रही थी, जिस प्रकार के कयास तेज थे, हालांकि अब अगर इन पर मोहर लगती दिखाई देगी भी तो कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव के बाद दिखाई देगी। फिलहाल अब पहले तो चंद्रशेखर आजाद का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने कुशीनगर की, एक तरह से आप देखें कि कुशीनगर की जमीन पर खड्डा विधानसभा में जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उसके बाद उन्होंने आखिर मीडिया से संवाद करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कुशीनगर बहुत ही महान धरती है, मैं तो गौरवान्वित हो रहा हूँ कि इस धरती पे आके काम करने का मौका हमें मिला। लेकिन ये भी सत्य है कि काशीराम साहब समझा के गए, जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं। कल रात हमारे कार्यालय पे जहां हमारा प्रोग्राम था वहां हमला किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, आग लगाने का प्रयास किया गया और फायरिंग किया गया, डराने का इंतजाम किया गया, लेकिन ये नहीं पता उनको कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और ना हम डरने वाले हैं, हम तो गोली खा के नहीं डरे, गोली की आवाज़ सुन के क्या डरेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता ने कल रात ही ठान लिया था कि जिन्होंने हमारे भाई का अपमान किया, उसको डराने के लिए गोली चलाने का काम किया, उस पार्टी और उनके नेताओं को हम लोग वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। और आप मेरी बात को याद रखना, ये जो जन सैलाब है ये पैसे पे बुलाई भीड़ नहीं है, ये जो ढाई ढाई तीन तीन घंटे से जमीन पे बैठे हैं,
ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी से प्यार करने वाले लोग हैं, ये बहुजन आंदोलन के लोग हैं और उनका लक्ष्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी लाखों वोट से जीत के दिल्ली पार्लियामेंट में पहुंचे और किसानों, गरीबों, नौजवानों और संविधान के में दिए अधिकारों की आवाज को मजबूती से बुलंद करें। छोटा भाई तूफानी दौरा की, अब बड़े भाई को कितनी कामयाबी मिल पाएगी? उनका गला खराब ना हो तो वही बताएं। बड़े भाई के लिए लड़ रहे हैं, कितनी कामयाबी मिल पाएगी? हम आश्वस्त हैं, कितना आसान कितना मुश्किल। हम आश्वस्त हैं, ये महान जनता अपना आशीर्वाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वोट के रूप में देने जा रही है और गन्ना किसान को जितना वोट पड़ेगा इतना वोट शायद ही कभी किसी प्रत्याशी को। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और उन्होंने मंच से कहा हिंदू विरोधियों को कुशीनगर की जनता सबक सिखाएगी। तो वो कौन है? निशाना कहीं ना कहीं था उनका। अब हम फिर कहें ना, अब इतने लंबे समय से हम लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटाते रहे कि हम कुछ दे दियो, लेकिन अब दरवाजा खटखटाने का नहीं तोड़ने का नंबर आ गया है। लड़ाई किससे रहेगी, क्या देख पा रहे हैं? किसी से लड़ाई नहीं, जनता समझदार है। आप देखना जमानते जब होंगी बहुत सारे लोगों की, जो लोग जनता की वोट पे राज के जनता वोट की चोट से सबक सिखा, यही वोट तो हथियार है भाई, कहीं बंदूक लाठी तो लड़ाई लड़ना है, संवैधानिक तरीके से वोट के आधार पर लड़ना है। जनता का आशीर्वाद साथ है और बहुत अच्छे मतों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीत के जाएंगे। ये रुपया पैसा और ये सरकारी तंत्र की जो गुंडागर्दी, ये भी काम ना है। प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरह से खुला समर्थन दिया है। एक तरह से उन्होंने मायावती का नाम ना लेते हुए भी बहुजन समाज पार्टी पर एक किस्म का निशाना ही साधा है कि अब उनका जो पूरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी की ओर ज्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब देखना यह है कि अब आगे आने वाले समय में खासतौर पर बचे एक चरण का जो मतदान अब बचा है इस महल लोकसभा चुनाव में, आखिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद मिलकर आखिर कौन सा ऐसा गठजोड़ बनाएंगे जिस गठजोड़ से दोनों पार्टियां तमाम दलों के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकेगी। फिलहाल हमारी तरफ से इस वक्त के लिए इतना ही। अब आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।